हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ले आया हूँ हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में। और इस समय मैं यहाँ का जो सबसे फेमस झील है, नैनी झील इसे कहा जाता है, क्योंकि इस झील में नैना देवी का वास है। और नैना देवी के नाम से ही ये शहर का नाम जो है वो नैनीताल पड़ा हुआ है। और यहाँ के व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, और खूबसूरत नज़ारा आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और आप हमारे साथ बने रहें, आपको नैनीताल का हर एक व्यू आपको घर बैठे जो है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है जो भी मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें अगर आप नैनीताल का सफ़र घर बैठे तय करना चाहते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। अभी हम निकल चुके हैं नैनीताल की तरफ और सात व्यू आज हम देखेंगे। पहला दिन है और आप बने रहे हमारे साथ। ये ड्राइवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई साहब हम आज? फर्स्ट में चल रहे हैं भैया, अपना रोपवे वाला पॉइंट है, रोपवे जाता है ना, रोपवे। अच्छा, व्यू पॉइंट है नैनीताल, लेक व्यू पॉइंट। जी जी। अच्छा, और हिमालय दर्शन है। हिमालय दर्शन, अपना सूखा ताल है। सूखा ताल जी। ओके, सुसाइड पॉइंट है। सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। पहले एक टाइम, मतलब कि अगर किसी को मरना हो वो वहाँ जाके मर सकता है। कोई मरा भी आज तक? कोई लोग जाते हैं वहाँ पे? नाम रख रखा है। लव पॉइंट भी है, सुसाइड पॉइंट भी है। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दिया और वो वहाँ से सुसाइड कर सकता है वहाँ पर। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है, सुसाइड पॉइंट यार, नैनीताल में वो भी। चलो बने रहे, आपको वो सुसाइड पॉइंट भी दिखाएंगे। आप किस तरह से उसे लेते हैं, सुसाइड पॉइंट लेते हैं या फिर लव पॉइंट पे लेते हैं, वो आप पे है। चलो आपको वो जगह भी जरूर दिखाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं लेक व्यू पॉइंट पे। यहाँ पर आप इस दूरबीन से जो है वो नैनीताल की हर एक स्पॉट को जो है वो बारीकी से यहाँ पर देख सकेंगे। और मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये भाई साहब हैं और कौन कौन से व्यू पॉइंट। भैया सर, आप ये बताएं कि कौन कौन सा व्यू पॉइंट जो है हम यहाँ से देख सकते हैं? इससे सर हम टिफिन टॉप, सेंट जोसेफ कॉलेज, कैमल्स बैक और नैना पीक, फोर पॉइंट दिखाएंगे सर आपको टेलीस्कोप से। कौन कौन से जगह हैं, क्या खास किया है इन जगहों पे? सर टिफिन टॉप है नैनीताल का सेकंड हाईएस्ट पीक, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग करके जाते हैं। और सेंट जोसेफ कॉलेज दिखाएंगे, जहाँ पे कोई मिल गया मूवी था सर, एलियन वाला ऋतिक रोशन का, उस मूवी की शूटिंग हुई है। और कैमल्स बैक दिखाएंगे सर, जो कैमल का हम्प होता है उस शेप में बनी हुई माउंटेन है। और जो नैना पीक है सर, नैनीताल का हाईएस्ट पीक है नैना पीक, वहाँ पे 3 घंटे लगते हैं सर पैदल ट्रैकिंग करके जाने में, वो पॉइंट इससे दिखाएंगे सर। मुझे ये चारों व्यू देखने पड़ेंगे, तो अब क्या चार्ज क्या करते हो लोग? 10 रुपीज पर पर्सन सर। सिर्फ 10 रुपए दिखाएंगे आप मुझे? बिल्कुल सर। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं किन किन जगह आज हम देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन नैनीताल ये जगह है। दोबारा इस टेलीस्कोप से हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यू पॉइंट अब दिखाएंगे आप। बिल्कुल तो कोशिश करेंगे देखने की। अभी पहला पॉइंट कौन सा? टिफिन टॉप, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करके जाते हैं। सामने we'll be right back.
हमें चारों जो मेन यहाँ के व्यू पॉइंट है वो चारों हमने यहाँ पर दिखा लिया, और मुझे लगता नहीं कि हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। और नैनीताल यहाँ पर दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और आप भी एक बार आए, और अन्य और जगहों पर भी आपको लेके चलेंगे। बने रहे हमारे साथ। पॉइंट पर अभी मैं ऊपर वहाँ पर गया हुआ था, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ से नीचे उतरा हूँ, और जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया कि ये इस जगह को स्पेशली एसी पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ से आती है। गाइस आप मेरे पीछे ये मंदिर जो देख रहे हैं, ऐसे नैना देवी मंदिर इसे कहा जाता है, और इसी के नाम से इस शहर का नाम पड़ा हुआ है नैनीताल। और बहुत सारे लोग नैनीताल जो आते हैं वो इस मंदिर में एक बार दर्शन जरूर करते हैं। नैनीताल का ये स्नो व्यू पॉइंट है, और यहाँ से हिमालय के यहाँ से जो है वो दर्शन करवाए जाते हैं। ये टेलीस्कोप आप यहाँ पर देखेंगे, इसी की मदद से जो है वो माउंटेन जो हिमालय है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी जो जिसे कहा जाता है, उसके आज हम यहाँ से दर्शन करेंगे, तो आपको भी दर्शन करवाएंगे यहाँ के, तो ये भाई साहब करवाएंगे। भाई साहब आप ज़रा दिखाएंगे कि किस तरह से हम हिमालय के दर्शन कर सकें। यहाँ पर आके गो कार्टिंग भी कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर वीडियो यहाँ पर देखें, मात्र 160 रुपये सिंगल का है। अगर आपको डबल कर आपको ड्राइव करना है तो उसका 260 रुपये जो है वो चार्ज किया जाता है। तो चलिए इसका भी एंजॉय करते हैं, बने रहे हमारे साथ। We'll be right back.
अब आखिरी में सुसाइड पॉइंट, जो शुरुआत में मैंने आपको ये बात कही थी कि हम सुसाइड पॉइंट जाएंगे, जिसे लवर पॉइंट भी कहा जाता है, बने रहें, सुसाइड पॉइंट का रुख भी आपको करवाते हैं। तो आखिर में जो हमने शुरुआत की थी अपनी इस जर्नी की, हमने शुरुआत में कहा था कि हम सुसाइड पॉइंट भी देखेंगे, तो यही वो सुसाइड पॉइंट है, और इसे सुसाइड पॉइंट कम और लवर पॉइंट इसे ज़्यादा कहा जाता है। ना जाने क्यों इस जगह का नाम लवर पॉइंट पड़ा है, लेकिन पड़ा है तो किसी रीज़न को लेके ही पड़ा होगा। और ये खूबसूरती आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस लवर पॉइंट के, यहाँ पर जो सुंदरता है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत यहाँ का ये व्यू है। और अगर आप नैनीताल का रुख करते हैं तो एक बार इस लवर पॉइंट का भी रुख ज़रूर करें। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये सफर, और घर बैठे आपको हमने नैनीताल के सभी व्यू पॉइंट से आपको रूबरू करवाया। कैसा लगा आपको हमारा ये खास प्रोग्राम जम्मू टू नैनीताल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि एक बार फिर इसी तरह का कोई हिल स्टेशन हम जाएं और आपको उस हिल स्टेशन से जो है वो रूबरू करवाएं। और अगर आप इस टूरिस्ट प्लेस में आना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी टिकट बुक करें और जम्मू टू नैनीताल पहुंचे, और यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ की जो सुंदरता है, उससे भी आप रूबरू हो सकें। तो फिलहाल बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।